हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों ये फ़ोन है मेरे पास आईफोन 8 और इसकी ये वाली जगह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो लाइट है वो नहीं जल रहा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे और किस किस चीज़ को चेंज करेंगे और किस किस चीज़ को चेक करेंगे, ये सारा कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ये फ़ोन आप लोगों के सामने है, ये आया था स्क्रीन चेंजिंग के लिए, लेकिन जब हमने ट्राई किया तो यहाँ पर इसमें ये प्रॉब्लम भी था। इमरजेंसी में वाइट कलर में ये बिल्कुल क्लियर दिखता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप लोगों के सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए ताकि मैं उसी पर जो है ना वीडियो बनाऊँ। बाकी इसका टच वगैरह सब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नीचे जो एक लाइट है वो नहीं चल रहा। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस फोन को डिसअसेंबल करते हैं। ये है इसका LCD कनेक्टर और यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके एक एक पॉइंट को मैं चेक करूंगा। तो मेरा मल्टीमीटर डायोड मोड पर है, पहला पॉइंट बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। दूसरे पॉइंट को चेक करते, दूसरे पॉइंट पर किसी किस्म का कोई रीडिंग नहीं आ रहा, ये आप लोगों के सामने। तीसरा पॉइंट चेक करते तो ये ओके है, ठीक है जी। इसके बाद चौथा पॉइंट, ये भी ओके है। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, हमने ऑन किया बेट मैप और हम उसी लाइन पर क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए ये लाइन नीचे एक टीपी के साथ भी कनेक्ट है, देख सकते हो आप लोग, और ऊपर ये कहाँ पे जा रहा है हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये बोर्ड के दूसरे साइड पर यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, एक तो कैपेसिटर पैरेलल में है, एक सीरीज में रेजिस्टर है और इसके बाद ये लाइट आईसी के अंदर आ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम यू करते कि इस फोन को पूरा डिसअसेंबल करते और फिर चेक करेंगे। एक मरतबा फिर मैं चेक करूँ आपको, ये TP के साथ इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तो पहला वाला था, ये ओके है, ये दूसरा वाला, इस पर कोई रीडिंग नहीं है। अभी हम इस TP के साथ इसको आपस में चेक करेंगे तो ये बीप साउंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो ओके है। अभी हम इस फोन को पूरा डिसअसेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वक्त बच सके। तो लो जी ये आ गया बोर्ड, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो सेफ्टी कवर है ये मैं थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया और इसकी जो साइड है इसको हम कट करेंगे। पहले ब्लेड की मदद से थोड़ा सा ट्राई करेंगे और उसके बाद हम कटर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ना, ये जो सेफ्टी कवर होता है उसको उतारते वक्त इसमें नीचे ज़्यादातर बोर्ड को ही डैमेज करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर स्पेशली आईफोन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो ये आ गया यहाँ तक, अभी हम मल्टीमीटर पर रेजिस्टर के दोनों साइड पर वैल्यू चेक करते हैं कि किस साइड पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो एक साइड पर, इस साइड पर तो नहीं है, दूसरे साइड पर यहाँ पर वैल्यू है, मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टर बीच में से ओपन हो गया है
अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास सेम बोर्ड नहीं है और ना जो है ना सेम वैल्यू का रजिस्टर अभी अवेलेबल है, तो मैं इसको निकाल के इसको डायरेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी, इसको डायरेक्ट कर लूँगा और फिर देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है कि नहीं। किस किस रजिस्टर को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर का काम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, बेसिक सारे कंपोनेंट का अगर आप लोग डीप नॉलेज लेना चाहते हो और आईसी के एक एक पॉइंट के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर राबिता कीजिए। हमारा ऑनलाइन कोर्स जारी है, हम आपको एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आप लोगों को एक अच्छा कोर्स दे सकते हैं। सो अगर आप लोग डेमो क्लासेस लेना चाहते हो तब भी आप लोग राबिता कर सकते हो, पहले आप लोग क्लासेस लीजिए उसके बाद डिसाइड कीजिए, ओके जी। तो यहाँ पर इस रजिस्टर को मैंने कर दिया है रिमूव। इसके बाद इस रजिस्टर के दोनों साइडों को जो है ना हमने आपस में शॉर्ट करना है, इसके लिए आप डिसोल्डर वायर भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो या फिर जंपर वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एहतियात के साथ ताकि ये बाकी किसी रजिस्टर के साथ शार्ट ना हो जाए या फिर बोर्ड में जो है ना आपको अगर पीपीडी का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा पीपीडी फैल ना जाए क्योंकि इससे बोर्ड शार्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आप एहतियात के साथ ये कीजिए, ओके। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना पीपीडी लगा दिया है अभी, क्योंकि इसमें मैं ये जो जंपर वायर है उसको साफ करूँगा, क्योंकि जंपर वायर के ऊपर जो है ना एक पूरा प्लास्टिक सा होता है, इस पर एक लोशन सा लगा होता है, तो उसको पहले रिमूव करेंगे। तो लो जी, ये लग गया जंपर। अभी बाकी जंपर वायर को मैं यहाँ से कट कर लूँगा और फिर अपने फ़ोन को जो है ना फिट करके चेक करेंगे, ठीक है जी। एक तो ये मैंने इस जंपर को कट कर दिया, दूसरा आप लोगों ने थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इस जगह पे कुछ टेप वगैरह को यूज़ करना है या फिर आपके पास कोई और चीज़ है तो ये इन कंपोनेंट के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि इसका ऊपर जो सेफ्टी कवर के ऊपर रखा हुआ है ना वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे ये अगर सारे कंपोनेंट के साथ लग जाए तो कंपोनेंट शार्ट हो सकते हैं और आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। तो अगर आप एहतियात से काम करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं लूँगा और यहाँ पर लगाऊँगा, तो आप लोग देख सकते हो एक रजिस्टर की वजह से हमारा जो फ़ोन था उसके लाइट में कितना प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है जी। ये हो गया जी, ठीक है जी। अभी इसके बाद जो है ना हम इसको वापस असेंबल करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको वापस असेंबल करेंगे, फिट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
ओके तो जी फोन फिट हो गया, अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही। ओके परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो आगे हम अपने फ़ोन को और भी फिट करते और फिर चेक करते कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो पैक्स हुआ है कि नहीं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने पर हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और ये हम सिर्फ आप लोगों के लिए बनाते हैं। चलो ये हो गया, यहाँ पे मैंने जो है ना ये लगा दिया है, ठीक है जी। ओके इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, हर किसी ने एक अच्छा कोशिश किया है। सो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश थी कि एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद इससे पहले जो है ना मेरे सब्सक्राइबर ने ये नहीं देखा हो, तो उन लोगों को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके जी तो चलो ये अभी हम फोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया है, हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।